तीसरे चरण के मतदान के लिए मतदान दल प्रशिक्षण को लेकर हुए रवाना। बारह जिले में पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य पद के लिए तीसरे चरण का मतदान शनिवार को होगा। इसके अंतर्गत किशनगंज बादशाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में स्थापित 322 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान दल शुक्रवार को अंतिम प्रशिक्षण के पश्चात निर्धारित मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए हैं। तीसरे चरण में जिला परिषद सदस्य के 14 अभ्यर्थी व पंचायत समिति सदस्य के 76 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। दोनों पंचायत समितियों के कुल 2,20,248 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 1,13,419 पुरुष, 1,06,828 महिला तथा एक अन्य मतदाता है। दोनों पंचायत समितियों में किशनगंज के 17 व शाहबाद के 15 वार्डो में चुनाव होंगे। तीसरे चरण के इन दोनों पंचायत समिति क्षेत्र में जिला परिषद के कुल 7 वार्ड सम्मिलित है। तीसरे चरण में मतदान के लिए कुल 316 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें किशनगंज में 185 व शाहबाद में 131 मतदान केंद्र है। 12 से भी रेंज से रिपोर्ट। चरण हमारे जिले में पंचायत चुनाव के संपन्न हो चुके हैं और अब तीसरा चरण है जो कल वोटिंग होगा। शाहबाद और किशनगंज एरिया जिले का काफ़ी पिछड़ा एरिया है, शहरिया बाहुल एरिया है और इंटीरियर विलेजेस हैं, तो हमने मतदान दलों की आज रवानगी कर दी है और इसके साथ ही पूरा पुलिस बल हमने इंतजाम कर दिया है। एरिया मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात हो गए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट्स की विजिट कल भी हो गई है। आज पार्टी की रवानगी के साथ शाम तक मैं और एसपी साहब भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और इसको देखते हुए पूरे व्यवस्थाएं हमने की है। सभी जगह जो संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल जाब्ता लगाया हमने। पुलिस मोबाइल पार्टियाँ जोनल मजिस्ट्रेट के साथ मूव करेंगी, इसको देखते हुए पूरी व्यवस्था, क्योंकि तृतीय चरण भी बहुत ही अच्छे से संपन्न होंगे। दो चरण बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके हैं और ये अंतिम फेज है, इसको भी शीघ्र और अच्छे से पूर्ण कर लिया जाएगा। पंचायत राज चुनाव के दो चरण शांति से संपन्न हो चुके हैं। तीसरे चरण का लिए कल मतदान हमारा होगा। मतदान के लिए हमने पुलिस की पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। कल जो मतदान होगा हमारे 5-7 थानों में होगा और 7 थानों के लिए हमने पुख्ता व्यवस्था करी। टोटल हमने इसके लिए 81 बिल्डिंग्स है जहाँ पर मतदान होगा, 322 बूथों पर, उनके लिए प्रत्येक बूथ पर 2-2 आदमी जैसा कि निर्देश अनुसार लगाए हैं। इसके साथ में पंचायत रिजर्व का लगाया है और जहाँ पर क्रिटिकल है उसके लिए 5 का आपका अलग से लगाया है। इसके साथ में प्रत्येक थाने को स्ट्रेंथन कर दिया गया है, वहाँ पर डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी प्रत्येक थाने की जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पर, और साथ में उनको भी एक रिजर्व पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया गया है। दो थानों के ऊपर एक एडिशनल एसपी को भी सुपरविजन के लिए लगाया है, 1 को 2 को 1 को 3 पर, और वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और पूरे पोस्ट का मूवमेंट करेंगे। इसके अलावा मेरे पास में पुलिस फोर्स में स्वयं वहाँ पर बीच में रहूँगा, जो वहाँ मैं कलेक्टर साहब के साथ में हम घूमेंगे, व्यवस्था देखते रहेंगे। आज भी हम इस पूरी संपूर्ण व्यवस्था को देखने के लिए बाद दोपहर हमारा वहाँ शाहबाद क्षेत्र का दौरा है, वहाँ देखेंगे पूरा जाब्ते को थाने वाइज ब्रीफिंग देंगे। और कल जो मतदान होगा वो पूरे पुलिस फोर्स को ब्रीफ कर दिया गया है कि कैसे उनको कल के शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान के लिए क्या रणनीति अपनाना है, जो आज शाम को करके कर लेंगे और वहाँ पर मीटिंग भी करेंगे।